जी दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। तो मैं आपको बता दूं, आज ये वीडियो मैं आपको पहले बता दूं कि ये फ्रेशर लोगों के लिए, न कि ये टेक्नीशियन भाई लोगों के लिए है। टेक्नीशियन है वो जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो इस फील्ड में नए हैं और काम सीखना चाहते हैं और काम सीख भी रहे हैं। अगर उन्हें लगता है हमें आता है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो आप, मैं आपको डीसी में दिखाना चाहता हूँ। तो डीसी में देखिए अभी कोई रीडिंग नहीं है, एक चालू फ़ोन है, एक सैमसंग का फ़ोन है। तो मैं सैमसंग नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं इसको लेके चल रहा हूँ, इसकी पीएम को निकालूंगा और वापस से आपको सामने लगाऊंगा। तो ठीक है, देखिए मैं पावर की प्रेस कर रहा हूँ। तो ये सेट हमारा देखिए प्रॉपरली ऑन हो रहा है, ठीक है। 20, 12, 15, 16, 14, 16 अगर 20 से ऊपर चला गया मतलब हमारा फोन ये ऑलरेडी ऑन हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, इसी सेट का मैं आपको दिखाऊंगा, इसका पीएम निकाल करके लाइव पीएम निकालूंगा और फिर से पीएम लगाऊंगा, रिवॉल्विंग करूंगा और इसमें दिखाऊंगा कि आपको एक्चुअल में ये काम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए तो मैं इसको सबसे पहले, आपको कभी भी काम करें दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ, आप एकदम सफाई से और क्लीन के साथ काम करें। तो इसके लिए आप अच्छा पीसीबी होल्डर यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा पीसीबी होल्डर आप यूज़ करें, जिससे कि आप जितना अच्छा बेहतर काम करके देंगे तो उतना अच्छा सफाई से, या आपकी हैंड स्किल के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका पीएम हम निकालेंगे, पीएम निकालने के बाद आपको दिखाएंगे, फिर से वापस रिवॉल्व करके इस पीएम को लगाएंगे, ठीक है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। चलिए तो मैं बस थोड़ा सा इसमें पैच डालना है आपको, फिर मैं आपको बता दूं, आपको हिट टेम्परेचर इसमें रखनी है 320 रखनी है, आपको टेम्परेचर 320 रखनी है इसमें, और एयर 0 से 1 के बीच में रखना है एयर, ठीक है। चलिए तो हम इस पीएम को निकाल रहे हैं। आप, मैं कभी बता दूं, आप कभी पीएम निकाल रहे हो या तो कुछ भी कर रहे हो, आपको उसको आईसी को देखिए दोस्तों, क्योंकि जब भी कभी आप आईसी को निकाल रहे हो तो आप उसको निकालेंगे, प्रेशराइज नहीं करेंगे, उसको अपने आप वो निकल जाएगी और उसको खींचना नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा जूम करिएगा, देखिए आराम से ये दोनों एक एक बॉल भी, कोई बॉल यहाँ पे मिसप्रिंट नहीं हुई है, जैसा कि आप देख सकते होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं एक भी बॉल मिसप्रिंट नहीं हुई है। ये देखिए, ना आईसी की हुई है ना आपकी पीसीबी की हुई है। तो चलिए ठीक है, ये लाइव ही चल रहा है, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको सबसे पहले हमें दोनों चीज़ को क्लीन करना है, आईसी को भी क्लीन करना है, फिर हमें पीसीबी को भी क्लीन करना है। तो अब सबसे पहले तो हम आईसी को ही क्लीन करते हैं। तो आईसी को क्लीन करने के लिए डिसोल्डर वायर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप भी सोल्डर वायर का यूज़ कर सकते हैं पीसीबी और आईसी क्लीन करने के लिए दोस्तों। और इसके लिए मैं बता दूं आपको, जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं, एक अच्छा टूल यूज़ करिए, एक अच्छा पेस्ट यूज़ करिए, जिससे क्लीन के टाइम में आपको बहुत ही अच्छे से काम यूज करता है, वर्क में आता है। तो मैं सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पेस्ट डालूंगा आईसी पे, आयरन से आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हुए आप इसको क्लीन करेंगे। ये हमारी क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है दोस्तों। आप इसको एक तरीके से नहीं, इसको आप माइक्रोस्कोप के जरिए घुमा के सारे टिप्स को अच्छे से क्लीन कर देंगे। आईसी को क्लीन कर दी है, अगर थोड़ा और क्लीन करना है तो आप डिसोल्डर वायर का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम इसे वॉश कर लिया है और हम इसे क्लीनिंग भी कर लिए, तो इसको हम साइड कर लेंगे।
तो सबसे पहले इसको हमने क्लीन कर ही लिया है तो इसको हम रिवॉल्व कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको क्लीन कर दिया है, अब इसे हमें रिवॉल्व करना है। तो रिवॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, हम इसे रिवॉल्व करने के लिए यूनिवर्सल यूज़ करेंगे। यूनिवर्सल यूज़ करेंगे दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखा दे रहे हैं यूनिवर्सल से वन टाइम आप इसे एक बार में ही आप इसे इजिली इसके सारे बॉल बना सकते हैं। ये देखिए एक्सटेंसल है, ये यूनिवर्सल एक्सटेंसल है, मैं आपको दिखा दूँ, आप ये यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंसल यूनिवर्सल एक्सटेंसल है, हम इससे बॉल बनाएंगे, ठीक है। इससे बॉल बनाने के लिए आपको यूनिवर्सल की ज़रूरत पड़ेगी और आपको पीपीटी का यूज़ करना पड़ेगा। आपको पीपीटी चाहिए होगा, ठीक है, पीपीटी के लिए, और आपको चाहिए होगा पीपीटी, ठीक है। मैंने पीपीटी थोड़ा सा निकाल करके पीपीटी को थोड़ा सुखा दिया है, जिससे कि क्या होता है कि बॉल बहुत आसानी से बन जाते हैं, गीले रहते हैं तो बॉल अच्छे से बनते नहीं हैं। चलिए अब हमने ये बना लिया है, मैंने यूनिवर्सल का यूज़ करना है, तो स्टेंसल को ऐसा लगा देना है आपको, ठीक है, वन टाइम में, और थोड़ा माइक्रोस्कोप में देख करके कि वो कहाँ पे बॉलों को मैच करना है हमें। ये हमने बॉल को मैच कर लिया है, ये वन टाइम में एक बार में आपके सारे बॉल बन जाएंगे। तो ठीक है, अब हम इसमें पेस्ट लगाते हैं, तो हम पेस्ट इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने इसको कर लिया है, सारे पेस्ट को अप्लाई कर दिया है। अब बैंड ट्वीज़र का यूज़ करना है, बैंड ट्वीज़र आपको लेना है, और मैं आपको बता दूँ बैंड ट्वीज़र, अब उसको आपको यू ऐसे रखना है, आईसी को कवर करना है, आपको आईसीओ को कवर करना है। आईसीओ को कवर करने के बाद आप इसको 250 पे सेट करेंगे, आप टेम्परेचर को 250 सेट करेंगे। और देखिए एक बेस्ट तरीका है, आप इसे हिलाएं ना, आप इसे इजिली देखिए, जैसा मैं आपको दिखा दूं, आप इजिली बस इसको ऐसा रख दें। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस इसको इजिली ऐसा रख दिया है, रखा हुआ था। और ये देखिए जैसा कि है, मैंने ये बॉल बन चुके हैं, हम आपको दिखाते हैं। अब उसमें थोड़ा सा पेस्ट डालें, थोड़ा सा हम थिनर डालेंगे, थिनर डाल के क्लीन करेंगे। ये देखिए हमारी एकदम, देख रहे हैं मैंने एक भी बॉल मिस नहीं हुई, बॉल बहुत अच्छे से बन गई है। अब मैं आपको एक बार माइक्रोस्कोप में हम देख लेते हैं कि बॉल कहीं मिस तो नहीं हुई है, बॉल हमारी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो हम इसमें देखिए, अगर आपकी बॉल छोटी और बड़ी होती है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको उसमें आईसी में जा करके आप उसको थोड़ा सा, ये हमने देखिए थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया है, ऐसा पेस्ट आपको थोड़ा सा डालना है। अब इसको माइक्रोस्कोप में देख करके आपको थोड़ी सी हीट देनी है इसमें, आप हिट इसलिए देते हैं क्योंकि आपके जो बॉल हैं अगर वो छोटी बड़ी बॉल है तो वो परफेक्टली बॉल बन जाएगी और बहुत ही अच्छा वो दिखेगा, जैसा कि हम आपको दिखाएंगे अभी। अब इसे क्लीन करना है, फिर हम इसको बॉल को आपको दिखाते हैं। देखिए थोड़ा सा कैमरा इधर दीजिए, ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए एक एक बॉल इसकी बहुत ही अच्छी बन चुकी है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसे हमने बॉल तो बना लिया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब इसको साइड में रखने के बाद हमें क्या करना है, हमें अब पीसीबी को क्लीन करना है। क्या करना है दोस्तों, पीसीबी को क्लीन करना है। तो पीसीबी को क्लीन करने के लिए हमने आपको बताया था डिसोल्डर वायर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर उन भाइयों के लिए वीडियो है जो बिल्कुल फ्रेशर है और इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो इसीलिए इसको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या टूल्स की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अब आपको पीसीबी को क्लीन करना है तो आप डिसोल्डर वायर का यूज़ करेंगे और इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाना है, मैं आपको बता दूं, फिर इसको पीसीबी को क्लीन करना है।
किसी भी आपको क्लीन करनी है तो किसी भी क्लीन करने के लिए जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, आपको डिसऑर्डर के माध्यम से दोस्तों आसानी से किसी भी क्लीन हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक तरफ से अगर किसी भी क्लीन हो गई है तो आप इसको फिर से घुमाएंगे, राउंड करेंगे, जिससे कि आपको इजी तरीके से, मतलब इजी तरीके से कहने का मतलब कोई भी बॉल, कोई भी कॉम्पोनेंट्स को नुकसान नहीं होने चाहिए कि हमारे कोई भी कॉम्पोनेंट्स ख़राब हो जाएं। जूम है उसमें दिख रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ। मैम ने सारे क्लीन कर लिए उसको अच्छे से, पीसीबी को वॉश कर लिया है। ये देखिए पीसीबी अच्छे से हमारी क्लीन हो चुकी है। अब इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब इसमें आपको करना क्या है, अब इसमें हल्का सा पेस्ट डालना है आपको, हल्का रख दो थोड़ा, ठीक है। अब इसको लगाने से पहले आपको नोज़ कट पॉइंट को ध्यान देना है कि उसका नोज़ कट पॉइंट किधर था, ठीक है। तो नोज़ कट पॉइंट हमें पता है कि इसका नोज़ कट पॉइंट कहाँ पे था, ठीक है। तो आप जब भी कभी लगाएंगे तो इसका नोज़ कट पॉइंट देख के आपको लगाना है कि इसका नोज़ कट पॉइंट है कहाँ पे एक्चुअल में। अब हम इस आईसी को फिट कर रहे हैं, तो इसका नोज़ कट पॉइंट मैं बता दूँ J2 का ऊपर ही था, हम इस आईसी ठीक है। अब यहाँ पे देखो एयर आपको 1 से 0 के बीच में रखना है और टेम्परेचर रखना है 320 में, ठीक है दोस्तों। आपको एयर रखना है 220 पे रखना है, ठीक है। एयर आपको 0 से के बीच में रखनी है, एयर रखनी है। हमने आईसी को बैठा दी है, उसके नीचे पेस्ट को रख दी है। अब चलिए तो हम इसे हीट कर रहे हैं, दोस्तों आपको हिला के रखना है, एक तरफ स्टक नहीं करना है। और दोस्तों आपको लगता है कि हमारी आईसी सही से लगी है तो आप सभी जानते हैं कि इसे टच करना होता है, फाइनली में टच देना होता है, तो हम इसे फाइनली एक टच देंगे ये चेक करने के लिए कि हमारी आईसी, हमने दोस्तों इसकी फाइनली टच भी दे दी है। चलिए फाइनली अब इसे हम चेक करते हैं कि हमारा ये वर्क किया कि नहीं किया, अब इसे देखते हैं दोस्तों। अभी देखिए कोई एम जिसमें हम आपको आईएसओ के जीआर कैसे चेक करते हैं, उनके क्रैक कैसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों पहले वो 17 पे जाकर रुक रहा था, अब ये 18, 19, 20 के ऊपर जा रहा है, मतलब हमारा फोन ऑन हो चुका है, ठीक है। पहले वो 17 पे जा रहा था तो हमने क्या किया, इसको फाइनली एक टच दिया, फिर से फाइनली इसको रिवॉल्व किया, मतलब